মুনি প্রাণী বাংলা দূর প্রবাসে ভেসে যাইছি তো খুব বন সুবাসে সেই জোয়ারে চলো সবাই ভাসি রূপদশ মধুর গন্ধে ভরে ভালোবাসা ভরে দিয়ে সুর তাল লয়ে ভরে তুলি আমাদের সোনার তরি সোনার তরি সোনার তরি সোনার তরি সোনার তরি। से समथिंग अगर यही इंग्लिश की बजाय ये बंगला में कहते तो मुझे पूरी तरह समझ जो भी इन्होंने कहा वो मुझे पूरी तरह समझ आ रहा था क्या कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि मैं सीआर पार्क में सन 1976 से रह रहा हूँ जब पहले शुरू के मकान बने थे तो डी ब्लॉक 702 में मेरे एक मित्र हैं बैनर्जी साहब वो अब नहीं रहे तो उन्होंने मुझे वहाँ रहने के लिए जगह दी थी। फिर हमें मेरे और मेरी परिवार को इतना अच्छा लगा सीआर पार्क का वातावरण और सीआर पार्क के लोग और वहाँ के विशेष तौर पर बच्चे हमारे बच्चे उन बच्चों के साथ घुल मिल कर खेलते थे और उन पे बंगला का बंगला भाषा का बंगला साहित्य का बंगला वातावरण का रंग चढ़ गया और वो पूरी तरह से बंगला बोलने लग गया। अब मैं इस उम्र में बंगला समय तो लेता हूँ पर अभी मुझे खेद है कि मैं बोल नहीं पाता। जो दत्ता जी ने परिचय दिया कि मैं NOP ब्लॉक का रेजिडेंट वेलफेयर सेशन का प्रेजिडेंट हूँ ये मेरे लिए महत्व की बात नहीं है, इनके लिए है लेकिन मेरे महत्व की बात नहीं है। मेरा असली परिचय है जो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि मैं स्वयं गरीब था। मेरे पेरेंट्स मेरे को मेरे दो छोटे भाइयों को जल्दी छोड़ के चले गए। तो जिस डिफिकल्टी से मैंने शिक्षा प्राप्त की वो मुझे अच्छी तरह प्रभावित करती है और वो मुझे इतनी लगन होगी कि अगर मैंने कुछ जब मुझे अवसर मिला तो मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करूँगा। अब मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि जो इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है वो एक NGO को चलाने के लिए सारी योग्यता प्रदान करेंगे ताकि वो तुगलकाबाद के बच्चों को पढ़ा सके। ये मेरा हार्दिक ये मेरे दिल को छू जाने वाला विषय है। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे घर वालों ने कहा अब पापा क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा तो एजेंडा तैयार है। पहले मैं थोड़ा टाइम देता था गरीब बच्चों के पढ़ाने के लिए, अब मैं पूरा टाइम दूंगा। तो मैंने तुगलकाबाद गोविंदपुरी लीले फ्लैट्स कालका जी के बच्चों को इकट्ठा करके एक स्कूल खोला गरीब बच्चों के लिए, थोड़ी सी फीस सिर्फ 50 रुपए फीस के हिसाब से। और जो मैंने प्रबंध किए वहाँ शिक्षा देने के लिए आज कोई पब्लिक स्कूल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे जो लगन थी वो ये थी कि इन गरीब बच्चों को इनके माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, ये ट्यूशन नहीं रख सकते, यहाँ के जो टीचर है वो पूरी तरह से इन पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैंने अपने टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया, इस तरह से प्रभावित किया कि आप इन बच्चों को पूरी शिक्षा
देंगे ताकि ये पूरे अंक प्राप्त करें। और रिजल्ट ये था कि जब वो बच्चे प्राइमरी शिक्षा पास करके दूसरे स्कूल में जाते थे, जैसे ये स्कूल है श्यामा प्रसाद जी स्कूल और कालका जी स्कूल, कई स्कूल हैं जहाँ पर हमारे बच्चे जाते थे, तो ये हर स्कूल जो भी बच्चे जहाँ भी हमारे बच्चे जाते थे वो स्कूल के प्रिंसिपल पहले ही हमें कह देते थे कि इस बार आपके बच्चे मेरे स्कूल में आएंगे। ये हो सकता है, कोई भी एनजीओ ये काम कर सकती है, इवन गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर गवर्नमेंट इसके लिए प्रतिबद्ध हो तो। लेकिन खेद तो ये है, ना तो गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट के टीचर्स और ना वहाँ के पेरेंट्स इतना दर्द लेते हैं कि वहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको एलिमेंट्री शिक्षा से और अच्छी तरह से किया जाए, तैयार किया जाए तो वो अवश्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन होता क्या है अक्सर स्कूलों में क्या होता है कि उनको स्कूल के अलावा ट्यूशन में डाल दो। सिर्फ मैंने देखा है, चाहे सरकारी स्कूल हैं, चाहे पब्लिक स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, एक ही दृष्टिकोण होता है कि इनको एक्स्ट्रा कोचिंग पैसे लेके दी जाए, वो हमने ख़त्म करना है। वो मैंने किया भी है, अब हमने मैंने एमपी जो हमारी एमपी है मीनाक्षी लेखी, उनको मैंने एक प्रपोजल भी बना के दी है, हाउ वी हैव टू ब्रिंग द पुअर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर पीपल अप टू द लेवल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वेल टू डू फैमिली हु आर स्टडिंग इन पब्लिक स्कूल्स। दिस ये मेरा एक उद्देश्य है, ये तो एक विषय है। दूसरा विषय जो मैं समझता हूँ, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरे को मौका दिया कि आप अपने बच्चों को कला, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, जो भी आर्ट, जो भी कला है, उसमें जो स्कूल एजुकेशन के अलावा है उसमें उनको पूरा टाइम लगाने दीजिए। अगर वो बच्चा पेंटिंग में व्यस्त है और वो उसको बीच में मत छोड़िए, उसको उसकी जो लगन है उसके हिसाब से उसको काम करने दीजिए। जो संगीत सीख रहा है उसको संगीत पूरा सीखने दीजिए। जो जो इसमें स्कल्पचर में जाना जाता है उसको पूरा टाइम दे दीजिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए एक, हर व्यक्ति के लिए ये एक मन की खुराक होती है। एकेडमिक एजुकेशन तो है ही, एकेडमिक एजुकेशन है धंधे अपने परिवार को अपने अपनी जीविका के लिए, लेकिन अगर कोई एकेडमिकली कुछ थोड़ा कमी उसमें रह भी जाएगी तो वो किसी ना किसी तरह अपनी जीविका का प्रबंध कर लेगा। लेकिन अगर उसमें मानसिक शक्ति नहीं है तो अपनी जिंदगी कैसे चलाएगा। ये एक पहलू है कला की दृष्टि से। कोई भी आपने देखा हो, कोई जो संगीतकार है वो कभी आपको कभी गुस्से में नहीं आता, जो सितार बजाने वाला है या तबला वो कभी गुस्से में नहीं आता, जो नृत्य करने वाला को वो कभी गुस्से में नहीं आता, जो पेंटिंग करने वाला वो कभी गुस्से में नहीं आता, जो बुत तराशी में लगा हुआ है वो कभी गुस्से में नहीं आता, क्योंकि उसको उसकी कला से उसके मन को शांति मिलती है। इसलिए कला का जो महत्व है वो आप समझिए, उसके लिए अपने बच्चों को पूरी परिपूर्ण उसकी तैयारी करने दीजिए, उसमें लगन से काम करने दीजिए। दूसरा होता है, एक तो है मानसिक शक्ति, दूसरी होती है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति को भी दरकिनार नहीं करना। कला के अलावा बच्चे को स्पोर्ट्स में भी योग्य बना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में बच्चा है, और बल्कि तो मैंने कई बार कहा भी है एजुकेशन वालों को कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए कंपल्सरी कीजिए। शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है और शारीरिक शिक्षा से बच्चे की सेहत बनती है, बच्चे को बीमारी नहीं लगती, बच्चे को स्ट्रेस नहीं आता। आजकल क्या है, या तो कंप्यूटर या मोबाइल लगे रहते हैं और वो एक स्ट्रेस का कारण है। अगर वो उससे थोड़ा हट के थोड़ा टाइम लगाएंगे स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में, योगा में, जिमनास्टिक्स में, तो देखिए उसका कितना कल्याण होता है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इन शब्दों से दत्ता जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया आपने विचार आपके सामने रखने का। अकंत प्रियो
এবং আমার প্রতিবেশী এইচআর মালহোত্রাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কথাগুলো বললেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং আমি মনে করি যে গরিবের ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দিলে পরে আগামী দিনে সমাজ বিরোধী তৈরি হওয়ার যে কারখানা ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে সেই কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। নমস্কার। একদন্তম মহাকায়ম লম্বোদরম গজাননম বিঘ্ননাশকরম দেবম এরম্ভম প্রণমাম্যহম গুরুচরণম নমত মুদা শিরসে শুভম ধরত সদা ভবহরণম জয়করণম অগশমনম বিনতধরম শ্রুতি বিনুতম হৃদি বিদিতম রুচি রুচিরম রচিতবরম গুরুচরণম নমত মুদা প্রণো
নমস্কার। আমি নিজের একটু অল্প পরিচয় দিয়ে দিই আপনাদের। আমি একটু একটু গান গাই, আর আমি আমার গুরু হলেন বিদুষী রীতা গাঙ্গুলিজি, যিনি নিজে বেগম আক্তার সাহেবের কাছে গান শিখেছে। তো আমি মুখ্যত ওই স্টাইলেই গান গাইতে চেষ্টা করি। আপনারা সবাই জানেন যে বেগম আক্তার সাহেবের শতবার্ষিকী চলছে, ওনার 100 বছর পূর্ণ হয়েছে। আমি আজকে ওনার একটি দাদরা দিয়ে ওনাকে গেয়ে ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে আজকে প্রোগ্রাম শুরু করি। Thank you.
Na shuniya
Oh,
একটা বাংলা গান শুনিয়ে দিচ্ছি। আরম্ভ করব রফি সাহেবের একটা অনেক পুরনো গান দিয়ে, 1949-এর। জানে তুম কব সুহানি রাত ঢল চুকি না জানে তুম কব যাহা কি রূপ বদল চুকি না জানে তুম কব সুহানি ঢাল চুকি না জানে তুম কব নজানে দিখা দিখা কে সোয়ে নজারে আপনি মস্তিয়া দিখা দিখা কে সোয়ে সিতারে আপনি রোশনি লুটা লুটা কে সোয়ে হরেক শম্মা জল চুকি না জানে তুম কব সুহানি রাত ঢল চুকি না জানে তুম কব তড়প রহে হ্যাঁ হম যহাঁ তড়প রহে হ্যাঁ হম যহাঁ তুমারে ইন্তজার তুমারে ইন্তজার তড়প রহে তড়প রহে তুমারে ইন্তজার তুমারে ইন্তজার খেজা করম চলা হ্যাঁ মৌসুম বহার মে খিজা কর চলা মৌসুম বহার মে মৌসুম বহার মে হওয়া ভি রুখ বদল চুকে জানে তুম কব সুহানি রাত ঢল চুকি না জানে তুম কব যাহা কি রূপ বদল চুকি না জানে তুম কব সুহানি রাত ঢল চুকি না জানে তুম কব ফির বহি
রাত রাত খাবো কি ফির ওই রাত ফির ওই রাত খাবো কি ও রাত ভর খাব মে দেখা করেঙ্গে তুমে ফির ওই রাত ফির ওই রাত ফির ওই রাত খাব কি রাত ভর খাব মে দেখা করেঙ্গে তুমে ফির ওই রাত মাসুম जब वही सपना चले मासूम सी नींद में जब वही सपना चले ओ हमको बुला लेगा तुम पलकों के पर्दे तले ओ ये रात है खाब की রাত ফির ওই রাত ফির ওই রাত ফির ওই রাত খাব কি আমি চিনি গো চিনি তোমারে
দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায় দেখেছি রিধিমা যারে আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী। আকাশে পাখি আকা শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, আমি আকাশে পাখি আকা শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, আমি তোমারে শুনেছি আসেছে, আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভ্রমী আসেছে, আমি এসেছি নূতন দেশে, আমি অতিথি তোমার দ্বারে, ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী ও গো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী ও গো বিদেশিনী। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ধীনা কর্তা ধীনা কর্তা ধীনা
Tudo isso.